हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। माय नेम इज जिज्ञासा एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टॉपिक फूड एंड न्यूट्रिशन फॉर FSSAI एग्जाम एंड स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम। अगर आप FSSAI असिस्टेंट या फिर FSSAI सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस कंप्लीट कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 6 to 7 e-books मिलेंगी जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपको यूट्यूब क्लास के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगा और 10 full-length मॉक टेस्ट विद ऑल इंडिया रैंकिंग प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको CBT 1 and 2 के फुल नोट्स, डिस्कशन ग्रुप और पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। आप 25% तक का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं इन कोर्स के प्राइसेस पे इस कूपन कोड से। अगर आपको ये कोर्स में एनरोल करना है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है, ए सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड अ न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, फैटी एसिड। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा सब्सटेंस है जो बॉडी को ग्रोथ और एनर्जी प्रोवाइड करेगा और हमारी जो सेल जो है उनकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में भी हेल्प करेगा। तो बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस कौन सा सब्सटेंस करता है? सो न्यूट्रिएंट इज दैट सब्सटेंस विच इज नीडेड बाई आर बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रिएंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड एक्सेप्ट प्लाज्मा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स। सो फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होता? जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन है उसमें से हमें बताना है कि कौन सा फूड में प्रेजेंट नहीं होता। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड में प्रेजेंट होता है। सो फूड से हमें मिल रहा होता है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स। प्लाज्मा हमें फूड से नहीं मिलता, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट्स कैन बी लिंक टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किडनी फेल्योर, ब्यूलीमिया, एनोरेक्सिया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। सो जो हमारी हाई सैचुरेटेड फैट्स वाली डाइट है उसकी वजह से कौन सी डिजीज कोज हो सकती है? सो हाई सैचुरेटेड फैट्स और हाई कोलेस्ट्रोल फूड जिसकी हम बात करते हैं उससे हमारी मेनली डिजीज कोज होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। सो ए डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट्स कैन बी लिंक टू द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। सो आर आंसर विल बी ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमाइलेज इन सलाइवा बिगिन द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन टू फैटी एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स। सो जो हमारा स्लाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम होती है जिसका नाम है अमाइलेसिस, और ये क्या करती है? ये करती है कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन। हमें यहाँ पे बताना है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को किस में ब्रेक करेगी। सो जो हमारा अमाइलेज होता है ये करता है ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर्स। ठीक है,
तो कंप्लीट जो ब्रेक डाउन है वो नहीं होता, मतलब कंप्लीट इसका जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो माउथ में नहीं होता, वो बस बिगिन होता है यहाँ से, ठीक है, बाकी वो स्टमक में जाके कंप्लीट होता है। तो अमाइलेज उसको इनिशिएट बिगिन कराता है बाय ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर्स। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंपल शुगर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर बॉडी नीड्स वाइटामिन्स एंड मिनरल्स बिकॉज दे गिव द बॉडी एनर्जी, दे हेल्प कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दे इंसुलेट द बॉडीज ऑर्गन्स, दे विदड्रॉ हीट फ्रॉम द बॉडी। सो बॉडी को वाइटामिन्स एंड मिनरल्स क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि हमारे जो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन कैरिंग आउट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, बॉडी नीड्स वाइटामिन्स एंड मिनरल्स बिकॉज दे हेल्प इन कैरिंग आउट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड पासिस थ्रू द स्टमक डायरेक्टली बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन, द हार्ट, द पेनक्रियाज। सो फूड जो है वो स्टमक से डायरेक्टली कहाँ पास होगा? सो फूड स्टमक के बाद जाएगा डायरेक्टली इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूड पासिस थ्रू द स्टमक डायरेक्टली बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हाफ ऑफ योर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क, मिल्क एंड चीज, फैट्स एंड शुगर। सो जो हमारी डाइट होती है उसका मेजर पोर्शन, और वी कैन से मतलब मोर देन 50% जो है, या फिर एटलीस्ट उसका हाफ जो 50% है, इट शुड बी मेड अप ऑफ। सो जो हमारी डाइट का अबाउट हाफ है, इट शुड बी मेड अप ऑफ ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मिनरल दैट द बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपरली इज कैल्शियम, सिल्वर, गोल्ड, लेड। सो बॉडी की फंक्शनिंग के लिए कौन सा, मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन सा मिनरल इम्पोर्टेंट होता है? सो जो कैल्शियम होता है, आवर बॉडी नीड कैल्शियम टू वर्क प्रॉपरली। सो यहाँ पर हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द माई पायरामिड फूड गाइडेंस सिस्टम, ए पर्सन शुड ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर फैट फ्रॉम बीफ, चिकन एंड फिश, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, नट्स एंड फिश, फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, मिल्क, योगर्ट एंड चीज़। सो बॉडी में जो हम मतलब जो भी हमारे फूड के थ्रू फैट जा रहे हैं अंदर, सो कहाँ से इसका मेजर पोर्शन जो है वो किस फूड ग्रुप से हमें ऑब्टेन होना चाहिए? सो जो हमारा मेजर फैट पोर्शन, जो फैट पोर्शन हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, इट शुड बी थ्रू वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स एंड फिश।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द पर्सन शुड ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर फैट फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स एंड फिश। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आ ब्लैंक इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन्ड इन फूड। लेबल, फूड गाइड पिरामिड, कैलोरी बास्केट। तो हमें यहाँ पे बेसिकली बताने की जो हमारी एनर्जी है फूड के अंदर, जो हमें एनर्जी फूड से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, और वो जो एनर्जी है उसके यूनिट बतानी है हमें। जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से कौन सी जो है वो एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट होती है कैलोरी। ठीक है, तो हमारी जो कैलोरी होती है वो होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ए कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन्ड इन फूड। सो जो हमारा कैलोरी है वो बताता है कि हमारे फूड के अंदर कितनी एनर्जी है। हम कोई भी फूड प्रोडक्ट बाहर से खरीदते हैं, मार्केट से कोई भी पैकेट लेते हैं, तो उस पर एनर्जी लिखा होता है कैलोरीज में, ठीक है, किलो कैलोरीज में, कहीं कहीं किलो कैलोरीज में वो मेंशन किए रखते हैं कि इतना किलो कैलोरी उसमें है। तो हमारी फूड की जो जो हम एनर्जी उसमें कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो किस में कर रहे होते हैं, किस यूनिट में कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं हम कैलोरी में। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दिस फूड ग्रुप इज़ आवर बॉडीज बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। मीट ग्रुप, फैट्स ऑयल्स एंड स्वीट्स, ब्रेड्स एंड सीरियल्स, मिल्क एंड चीज़। सो एनर्जी के लिए मतलब कौन सा फूड ग्रुप है वो बेस्ट सोर्स है, किस फूड ग्रुप से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल रही होती है। यहाँ पे मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि हम बोल देते हैं ना मीट से हमें बहुत एनर्जी मिलती है, बट नहीं, हमारा जो बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो होता है ब्रेड्स एंड सीरियल्स। ठीक है, तो हम अपने मील में मतलब एटलीस्ट 2 टाइम्स सीरियल्स और ब्रेड्स को इंक्लूड करते ही करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे टेक इट ऑल 3 टाइम्स। ठीक है, दे इंक्लूड सीरियल्स एंड ब्रेड्स इन देयर मील, इन देयर थ्री कोर्स मील। ठीक है, बाकी जो लोग नहीं खा रहे होते हैं, कुछ लोग सुबह में सैलड वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट सैलड्स खा रहे होते हैं, तो वो लोग भी अपने लंच और डिनर में ब्रेड्स एंड सीरियल्स इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेजर सोर्स है एनर्जी का वो यही है, ब्रेड्स और सीरियल्स। सो हमारा आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट कंसीडर्ड अ न्यूट्रिएंट? विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, फैट्स। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ये देखना, ये उसने पूछा है नॉट, सो किसको कंसीडर नहीं करते हम न्यूट्रिएंट। सो हमारे विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब तो न्यूट्रिएंट में आते हैं, बट जो हमारा फाइबर है वो न्यूट्रिएंट में नहीं आता। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइबर इज नॉट कंसीडर्ड अ न्यूट्रिएंट। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ दीज इज एडेड टू द फूड लेबल बिकॉज पीपल समटाइम्स डोंट ईट इनफ ऑफ दिस? फैट, कैल्शियम, सोडियम, कोलेस्ट्रॉल। सो किसको फूड लेबल पे ऐड करते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं वो उसको अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं ले रहे होते हैं। सो कौन सा जो है यहाँ पे न्यूट्रिएंट और एलिमेंट जो हम ऐड करते हैं फूड लेबल में?
जो हमारा कैल्शियम मिनरल जो होता है उसको हम ऐड करते हैं फूड लेबल पे, और ये हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको फूड लेबल्स पे ऐड किया जाता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट है, इसको हम ऐड इसीलिए करते हैं क्योंकि लोग ना मतलब इनफ अमाउंट में कैल्शियम इंटेक नहीं कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसको फूड लेवल पे अलग से ही मेंशन किया जाता है कि ये कैल्शियम रिच फूड है, तो ये आपकी जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ दीज इज रिक्वायर्ड ऑन द फूड लेबल? टोटल कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स, आयरन, ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारे फूड लेबल है उस पे क्या क्या मेंशन होना चाहिए? टोटल कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स, आयरन, ये तीनों ही हमारे पास जो ऑप्शन है ये तीनों ही रिक्वायर्ड हैं फूड लेबल पे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। अब अपने घर में भी कोई भी मतलब आपने ब्रेड या बिस्किट का पैकेट खरीदा हो आप उस पर चेक कर सकते हो, उस पर फूड लेबल पीछे मिलेगा, वहाँ पे आपको ये मेंशन मिलेगा कि इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना शुगर है, कितना आयरन है, कितनी एनर्जी है, वो सब वहाँ पे मेंशन होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द ब्रेड, सीरियल, राइस एंड पास्ता ग्रुप इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन सी, कैल्शियम, वाइटामिन डी। सो जो हमारा ब्रेड, सीरियल, राइस, पास्ता ग्रुप है ये किसका अच्छा सोर्स है? ये हमारे सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। द ब्रेड, सीरियल, राइस एंड पास्ता ग्रुप इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो आर आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रस फ्रूट्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम, वाइटामिन सी, वाइटामिन बी, कैलोरीज। सो जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, कीवी हो गया, आंवला हो गया, तो ये सब किसके सोर्स अच्छे सोर्स हैं? सो ये हमारे सोर्स हैं वाइटामिन सी के। और सिट्रस फ्रूट्स में आता कौन कौन है? लेमन आएगा हमारा, ऑरेंज आ जाएगा, कीवी फ्रूट आ जाएगा, और इसके अलावा जो सबसे बेस्ट सोर्स है मतलब कौन से फ्रूट में सबसे ज़्यादा हमें विटामिन सी मिल रही होती है, वो हमारा होता है आंवला, जिसे हम कहते हैं इंडियन गूजबेरी, ठीक है। सबसे रिच सोर्स होता है वो विटामिन सी का, जो हमारा आंवला है। सो ये हमारा आंसर है ऑप्शन बी, सिट्रस फ्रूट्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर तमिलनाडु एमबारबी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम, यू कैन एनरोल फॉर दिस कंप्लीट कोर्स वेयर यू विल गेट फुल स्टडी मटेरियल दैट विल कैरी 6 e-books, 1 question bank एंड ए टेस्ट सीरीज विच विल बी बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न एंड विद ऑल तमिलनाडु रैंकिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल ऑल्सो गेट यूट्यूब क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर एंड द क्वालिटी कंटेंट, एंड द कोर्स प्राइज इज 999 rupees। सो यू कैन आइदर फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू एनरोल फॉर दिस कोर्स, और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड यू कैन एनरोल फ्रॉम देयर एज वेल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फूड्स फ्रॉम द मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स, एग्स एंड नट्स ग्रुप आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आयरन, फाइबर, बीटा कैरोटीन, कैल्शियम। सो जो हमारे मीट, पोल्ट्री और फिश, ड्राई बीन्स, एग्स एंड नट्स, ये जो फूड ग्रुप है हमारा, ये किसका इम्पोर्टेंट सोर्स है? ये हमारे सोर्स है आयरन के। फूड्स फ्रॉम द मीट, पोल्ट्री,
फिश फ्राई बीन्स एग्स एंड नट्स ग्रुप आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आयरन. सो आर आंसर विल बी ऑप्शन ए. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फूड कंटेन्स द मोस्ट फैट? ग्राम क्रैकर्स, ब्राउनीज, पडिंग, एंजल फूड केक. सो सबसे ज़्यादा फैट किस में होगी? सो जो हमारी ब्राउनीज होती हैं उसमें होती है सबसे ज़्यादा फैट आउट ऑफ दीज. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा ब्राउनीज में होती है, उससे ज़्यादा किसी में फैट हो ही नहीं सकती. नहीं, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इसमें से हमारी जो ब्राउनीज होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा फैट होती है. ठीक है, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिल्क चीज एंड योगर्ट ग्रुप आर इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रोंग बोन्स टीथ मसल्स ऑल ऑफ द अबाउ. सो जो हमारा मिल्क चीज एंड योगर्ट वाला ग्रुप है ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? सो बेसिकली जो हमारे मिल्क चीज योगर्ट है ये रिच सोर्स होते हैं कैल्शियम के. और कैल्शियम हमें क्यों चाहिए होता है? कैल्शियम हमें चाहिए होता है स्ट्रोंग बोन्स के लिए, टीथ के लिए, मसल्स के लिए. तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. द मिल्क चीज एंड योगर्ट ग्रुप आर इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रोंग बोन्स टीथ मसल्स. सो आर आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स डू वी नीड ईच डे? 6 to 11, 2 to 3, 3 to 5, 1 to 2. सो हमें डेली मतलब वेजिटेबल्स की कितनी सर्विंग्स की नीड होती है हमारी बॉडी को? आवर बॉडी नीड एटलीस्ट 3 to 5 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एवरी डे. सो कितनी वेजिटेबल सर्विंग्स की नीड होगी हमें? हमें होगी 3 to 5 सर्विंग्स की नीड. ठीक है, तो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी. 3 to 5 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स वी नीड ईच डे. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हेयर इज आर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बॉडी? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर. सो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इनमें से कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें फॉर बॉडी बिल्डिंग और टू मेंटेन द स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स ऑफ बॉडी उसमें हेल्प करेगा, उसके लिए रिक्वायर्ड है. सो जो हमारा प्रोटीन होता है इट इज नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स ऑफ बॉडी. सो आर आंसर विल बी ऑप्शन बी दैट इज प्रोटीन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज द सनशाइन विटामिन? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी. सो सनशाइन विटामिन किस न्यूट्रिएंट को कहते हैं हम? सो जो हमारा सनशाइन विटामिन होता है वो होता है विटामिन डी. विटामिन डी इज नोन एज सनशाइन विटामिन. और क्यों कहते हैं हम इसे सनशाइन? क्योंकि विटामिन डी का जो मेजर सोर्स होता है वो होता है सनलाइट. हमें विटामिन डी जो है मेजरली हम हमें सनलाइट से ही मिल रही होती है. ठीक है, तो इसीलिए इसको ना सनशाइन विटामिन भी कहते हैं. तो हमारा आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी.
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट थायमिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी। सो यहाँ पे मतलब जो हमारा इम्पोर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस में हो जाता है, यहाँ पे पूछा एक्सेप्ट, ठीक है, हमें वो बताना है जो नहीं चाहिए। सो स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स या फिर विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स मिनरल्स में से हमें क्या क्या चाहिए होता है फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। तो ये तो अभी हम पिछले क्वेश्चंस पे भी डिस्कस कर ही रहे थे कि हमें कैल्शियम चाहिए फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, हमें मैग्नीशियम भी चाहिए होता है, हमें विटामिन डी भी चाहिए होता है। तो अब हमारे पास बच गया क्या, थायमिन। तो मतलब हमें विटामिन बी नहीं चाहिए होता फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, थायमिन इज नॉट नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी आर नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज द प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर। सो इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट जो है हमारे लिए हम प्रेफर करते हैं फॉर एनर्जी सोर्स। ये भी अभी डिस्कस किया था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई है। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था ना, ये मेजर सोर्स होते हैं एनर्जी का। सो जो कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी, सो आर आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर अ हेल्थी इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर, विटामिन के, विटामिन सी, फ्लोराइड। सो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमें जिसकी हमें ज़रूरत है पूरे हेल्दी इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। सो जो विटामिन सी है वो होता है हमें इम्यूनिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट, ठीक है। सो विटामिन सी इज नीडेड फॉर अ हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी, सो विटामिन सी ही हमारा आंसर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, इम्यूनिटी से रिलेटेड कौन सा न्यूट्रिएंट हो जाएगा, विटामिन सी। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स फॉर ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स। कॉर्न ऑयल, वीट प्रोडक्ट्स, पोर्क, सार्डिन्स। सो ओमेगा थ्री जो फैटी एसिड है उसका बेस्ट सोर्स कौन सा है, जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से हमें बताना है कि ये हमारा बेस्ट सोर्स है फॉर ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स। सो जो हमारे सार्डिन्स जो होते हैं, सार्डिन्स फिशेस, ये हमारा बेस्ट सोर्स होती हैं फॉर ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स। सार्डिन्स आर द बेस्ट सोर्स फॉर ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस मिनरल इज असेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड अ डेफिशियंसी माइट कॉज अनीमिया। सो जो हमारे RBCs होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनके लिए कौन सा मिनरल असेंशियल होता है और अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो वो अनीमिया बन जाएगा। अनीमिया किसकी डेफिशियंसी की वजह से होगा। सो दो क्वेश्चंस इसमें यहाँ पे इन्होंने मिक्स कर दिए। सो हमारा अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से। सो जो हमारा असेंशियल मिनरल हो जाएगा फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स वो हो जाएगा आयरन, ठीक है।
Now the next question is, this vitamin is needed to prevent a birth defect called spina bifida. So जो एक birth defect है spina bifida, इसको prevent करने के लिए कौन सी vitamin की ज़रूरत होती है? Vitamin D, vitamin A, folate और vitamin E. सो जो हमारा विटामिन B9 होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब स्पाइना बाइफिडा, इसमें मेनली क्या होता है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है बेबी की, वो मतलब प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती. सो इसकी प्रिवेंशन के लिए हमें कौन सा विटामिन चाहिए? हमें चाहिए विटामिन B9 जो हमारा होता है फोलेट और फोलिक एसिड भी. सो हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी. So it can be either given as folate or vitamin B9. ठीक है, सो ये याद रखना है, सारे vitamins की जो हैं names हमें पता होने चाहिए. Vitamin B9. Now the next question is, this nutrient is needed for making hormones, healthier skin and to make cell membranes. फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन B12. सो कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है हमें हार्मोन्स बनाने के लिए और हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसको बनाने के लिए हमें कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए? सो द न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर मेकिंग हॉर्मोन्स हेल्दियर स्किन एंड टू मेक सेल मेम्ब्रेन्स इज फैट. ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा फैट. सो काफ़ी जगह पे विटामिन B12 भी गिवन होता है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज. हमारा जो सही आंसर है वो होगा फैट, क्योंकि यहाँ पे हम हॉर्मोन्स, हेल्दियर स्किन और सेल मेम्ब्रेन तीनों की बात कर रहे हैं, तो हमें जो फैट है वो चाहिए होता है. ठीक है, सो जो हमारा मेन न्यूट्रिएंट यहाँ पे हो जाएगा वो फैट हो जाएगा, नॉट विटामिन B12. ऑल्सो विटामिन B12 भी चाहिए होता है जो हमारा हॉर्मोन बैलेंस जो होता है उसके लिए, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉर मेकिंग हॉर्मोन्स एंड हेल्थियर स्किन एंड टू मेक सेल मेम्ब्रेन्स. सो द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड विल बी फैट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी विजन. विटामिन के, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए. सो हेल्दी विजन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है हमें? सो विच वन ऑफ दीज इज रिलेटेड टू द आईसाइट? सो ये तो हम बहुत ही मतलब 6th 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारा विटामिन ए होता है दैट इज रिलेटेड टू आर आईसाइट और हेल्दी विजन. सो जो हमारा आंसर होगा वो होगा विटामिन ए. It is most important for healthy vision. So our answer will be option D. Now moving to the next question, which of the following beverages has no fat, sugar or oils? Milk, root beer, coffee with cream, iced tea and unsweetened or lemonade. So किसमें ना तो fat है, ना sugar है और ना ही oils है. सो मिल्क में तो फैट होती है, रूट बियर में ऑयल हो जाता है, कॉफ़ी विद क्रीम में फैट भी है और उसमें भी शायद ऑयल होता है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट फैट होता है. बट जो हमारा आइस टी अनस्वीटेंड है, तो मतलब आइस टी में ना तो फैट है, ना शुगर है और ना ही ऑयल है, इसमें तीनों ही चीज़ें नहीं है, तो जो हमारा आंसर है वो होगा आइस टी अनस्वीटेंड. जो हमारे लेमोनेड है उसमें शुगर आ जाती है, उसके अंदर फैट ऑयल्स नहीं होते, बट उसके अंदर शुगर होती है लेमोनेड के अंदर. और यहाँ पे तो ऑलरेडी मेंशन है कि वो अनस्वीटेंड है, तो मतलब उसमें शुगर भी ऐड नहीं हुई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वट फूड डज नॉट बिलोंग टू दिस फूड ग्रुप? नूडल्स,
क्रैकर्स, स्कैलियन, मैक्रोनी। सो इट इज़ लाइक एन ओड वन आउट क्वेश्चन। तो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ओड वन है, मतलब जो इस फूड ग्रुप का नहीं है। सो यहाँ पे नूडल्स, क्रैकर्स, मैक्रोनी, ये हमारे सेम फूड ग्रुप्स हैं, ठीक है। पर जो हमारा स्कैलियन है, जिसको हम स्प्रिंग अनियन कहते हैं, वो टोटली डिफरेंट है। वो हमारा वेजिटेबल से है, जबकि बाकी जो हमारे नूडल्स, क्रैकर्स, मैक्रोनी, सीरियल्स में आ जाते हैं। सो हमारा यहाँ पे कौन सा हो गया ओड फूड फूड इस ग्रुप्स का नहीं है, वो है स्कैलियन, क्योंकि ये इसको हम स्प्रिंग ओनियन को बोलते हैं स्कैलियन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हाइड्रोजिनेटेड फैट। बटर, मार्गराइन, ऑलिव ऑयल और नन। हाइड्रोजिनेटेड फैट का एग्जाम्पल बताना बहुत ही सिंपल सा है। सो जो हमारा मार्गराइन होता है, ऑप्शन बी, वो होता है हाइड्रोजिनेटेड फैट का एग्जाम्पल। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, मार्गराइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हाइड्रोजिनेटेड फैट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर यूजुअली कंसिडर्ड एज गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, अनसेचुरेटेड फैट्स और ऑल ऑफ द अबव। सो जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, वो किसका गुड सोर्स है? वो हमारे गुड सोर्स है वाइटामिन्स एंड मिनरल्स के। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन, डीजेनरेटिव डिजीजेस आर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद डाइट्स डेफिशिएंट इन प्रोटीन, एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल्स, हेरिडिटी और ऑल ऑफ दीज। सो जो हमारी डीजेनरेटिव डिजीज होती हैं, ये वो डिजीज होती हैं जिनमें मतलब जो हमारे टिश्यू और ऑर्गन्स हैं, उनकी फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर इफेक्ट हो जाती है विद द टाइम। और ये क्यों होती है, ये हमें यहाँ पे बताना है। सो यूजुअली जो ये हमारी डिजीज होती हैं, ये जो हमारे लाइफस्टाइल, एफ्लुएंट लाइफस्टाइल्स, उसकी वजह से होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट इज, क्योंकि एल्कोहलिज्म की वजह से, ट्यूमर की वजह से, या फिर स्ट्रोक की वजह से, या फिर टॉक्सिन्स, केमिकल्स, वायरसेस, इनकी वजह से डिजेनरेटिव डिजीज हो रही होती हैं। सो ये सब हमारा एफ्लुएंट लाइफस्टाइल के अंडर आ जाएगा। और यहाँ पे मतलब डिजेनरेटिव डिजीज जो है, ये बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जेनेटिकली भी होती है। सो हमारा हेरिडिटरी भी, बट यहाँ पे हमसे पूछा गया है मोस्ट क्लोजली, उन्होंने ये नहीं पूछा कि किस किस से रिलेटेड, उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब जनरली अगर हम बात करें तो वो किस से क्लोज है, किस से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, एफ्लुएंट लाइफस्टाइल। क्योंकि मेजरली जो डिजेनरेटिव डिजीज हो रही होती है, मैं वही तो बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती खुद को, तो ये सब जो डिजीज हो रही है, ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को पहले ढंग से देखना है, मोस्ट क्लोजली पूछा है उसने। तो यहाँ पे एफ्लुएंट लाइफस्टाइल, बाकी कुछ रेयर केसेस में वो जेनेटिकली भी होती है, तो वो हेरिडिटी में आ जाती, बट कोई भी मतलब प्रोटीन का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और सी हम बोल सकते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम किया कि वो पूछ रहे हैं मोस्ट क्लोजली, उन्होंने ये नहीं पूछा कि डिजेनरेटिव डिजीज मतलब किस किस से एसोसिएटेड है, उन्होंने पूछा मोस्टली किस से एसोसिएटेड है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ये आंसर की है जो कंप्लीट कोर्स वाले बच्चे हैं, वो यहाँ से अपना रिवीजन के टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से आंसर्स आप टिक करके अपना आंसर्स मैच कर सकते हो, उससे आप
आपकी जो, आपको तो चल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है, कौन से आपके वीकर एरियाज हैं, कहाँ पे आपको अभी रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो वही सब है। ठीक है, इसके अलावा जो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एग्रीकल्चर एंड जीके पर, वो है फॉर IBPS AFO, UK SSSC AAO, HP PSC ADO, नाबार्ड एग्जाम, JKSSB हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, OPSC AAO, OPSC AHO, OPSC असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, UPPSC असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर, ICAR JRF, ASRB NET, ICAR NET, फिशरीज एग्जाम्स, फॉरेस्ट्री एग्जाम्स, FSSAI एग्जाम्स, त्रिपुरा FSO, TNMRB FSO, TNPSC AO, AAO, DSSSB SO हॉर्टिकल्चर, FCI AGM, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एग्जाम। ठीक है, सो अगर आपको किसी भी कोर्स के लिए, मतलब ये जो यहाँ पे मेंशनड है, अगर आपको किसी के लिए भी टेस्ट सीरीज या कंप्लीट कोर्स चाहिए हो, तो आप एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप उसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।